जबलपुर के घमापुर थाना क्षेत्र से गायब 15 वर्षीय किशोरी को पुलिस ने 72 घंटों के अंदर लुधियाना पंजाब से दस्तयाब किया। 45 वर्षीय युवक व्यक्ति ने घमापुर थाना पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर एक व्यक्ति ले गया है, जिस पर पुलिस ने 363 का मामला दर्ज करते हुए किशोरी की तलाश शुरू की, जिसके बाद पुलिस को जांच में पता चला कि 15 वर्षीय किशोरी पंजाब के लुधियाना शहर में है, जिसके बाद घमापुर थाना पुलिस की टीम ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर किशोरी को पंजाब के लुधियाना शहर से दस्तयाब किया। वहीं किशोरी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसके पिता द्वारा उसे परेशान किया जाता था, जिसके चलते वह अपने घर से चली गई थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस सूचना पर गुम इंसान एवं अपराध धारा 363 के कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई, साइबर सेल की मदद ली गई, तो उसका लोकेशन पंजाब के लुधियाना में आया, लुधियाना भेजा गया, जहां अफराता को बरामद किया गया और आज थाना लेकर आए हैं। अफराता के बयान लिए गए, जिसने बताया कि उसकी माँ बचपन में ख़त्म हो गई है और पिता किराना की दुकानदारी करते हैं, किंतु पिता छोटी छोटी बातों को लेकर डांट फटकार करते हैं, इसी कारण वो घर से बिना बताए चली गई थी और आज उसे समझाइश दे गई है और उसके मामा के यहाँ अभी रखवाया गया है। मामा के पास रहना जाहिर की तो मामा के यहाँ रखा गया है और आगे प्रक्रिया उसकी न्यायालय कथन की जा रही है।